हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो न्यू चैप्टर मैं आप लोग के लिए लाया हूं वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एडवांस का पार्ट है। इस चैप्टर से एसएससी, जेएसएससी या फिर जेपीएससी वगैरह सभी में इससे क्वेश्चन आता है। हाँ, बैंकिंग में इससे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर बैंकिंग में भी पूछ सकता है। तो ये आपका जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है एडवांस का, इसमें ये बिल्कुल एलजेब्रा वाला बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग लगाने वाले हैं। और साथ ही लेकिन इसमें क्या है आपको कि कुछ फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो फॉर्मूला याद करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर किस पे बेस्ड चैप्टर है, कौन से चूंकि ये एडवांस का पार्ट है तो इसमें कौन से फिगर पे हम लोग वर्क करते हैं, कौन से फिगर पे क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पे। तो फ्रेंड, बेसिकली ये जो त्रिकोणमिति होता है वो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, और त्रिभुज के एंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कोण से रिलेटेड, ठीक है ना। त्रिकोणमिति यानी तो आपका सामने जाहिर हो रहा है कि त्रिभुज के लिए त्रि आपका आ गया, और कोण तो सामने है कि कोण के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, तो कोण ही यूज हो रहा है। तो त्रिकोणमिति हमको पढ़ना है, तो इसमें हम लोग आमतौर पे समकोण त्रिभुज पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड, अगर यहाँ पे बात करें कि ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। ये क्या है आपका, एक तरह का त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में आपका ये वाला पार्ट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज है ये एक। जो त्रिभुज 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें क्या है कि दो तरह से ये फिगर कैलकुलेट किया जाता है, या तो इस वाले कोण के थ्रू, इस वाले एंगल के थ्रू, या तो इस वाले एंगल के थ्रू। एंगल को, कोण को आमतौर पे थीटा के तौर पे हम लोग उसको मानते हैं। अगर उसका वैल्यू पता ना हो तो उसको हम, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, थीटा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये वाला कोण हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसके लिए मैंने थीटा यूज किया। तो फ्रेंड, अगर कैलकुलेशन जो हो रहा है इस वाले एंगल के थ्रू अगर कैलकुलेशन हो रहा है, तो इस फिगर में कौन सा पार्ट क्या कहलाएगा पहले वो जान लेते हैं। अगर इस वाले एंगल के थ्रू आपका कैलकुलेट किया जा रहा है तो इसके सामने वाला पार्ट क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में लंब उसको कहते हैं। और जो इसके नीचे में आ गया यानी बेस जिसको कहा जाता है उसको हिंदी में आधार कहते हैं, और इंग्लिश में बेस कहा जाता है, उसको बी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो ये आपका हाइपोटेनियस कहलाता है जिसको एच से डिनोट करेंगे, हिंदी में उसको कर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कभी कभी इस वाले एंगल के थ्रू भी कैलकुलेट करना होता है। तो अगर इस कोण के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस वाले कोण के थ्रू इसके सामने वाला पार्ट कौन सा हो जा रहा है, तो ये वाला पार्ट सामने वाला पार्ट हो जा रहा है। तो इसलिए इस बार अगर एंगल इसको मान करके कैलकुलेट किया जा रहा है तो लंब कौन कहलाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका लंब कहलाएगा यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो कोण के साथ में लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, आधार यानी कि बेस कहलाएगा। और जो ये तिरछा लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपोटेनियस ही रहेगा यानी कर्ण ही रहेगा। यानी अगर चाहे इस एंगल के थ्रू कैलकुलेट किया जाए या इस वाले एंगल के थ्रू कैलकुलेट किया जाए, हाइपोटेनियस वही रहेगा, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। अब बात करते हैं इनकी फॉर्मूला की, तो देखिए कोण को आमतौर पे तीन तरह से बांटा गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होता है उसका, तो लंब बटे कर्ण यानी ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस इसका होता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या कहलाता है, तो कॉस थीटा आपका कहलाता है आधार बटे कर्ण। क्या कहलाता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये वाला आधार और नीचे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है यानी परपेंडिकुलर बाय
बेस होता है, ये आपका टेन थीटा होता है। अब यहां पे सवाल उठता है कि अगर साइन थीटा के बारे में कैलकुलेट किया जा रहा है तो लंब बटे कर्ण कैलकुलेट करना होगा, लंब और कर्ण पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कभी कि इसकी इनवर्स की बात हो, यानी कि 1 बाई साइन थीटा की बात हो, तो 1 बाई साइन थीटा की बात हो तो 1 बाई साइन थीटा को हम लोग जब इसको इन्वर्स करते हैं, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे ले जाते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉसिक थीटा बन जाता है। यानी साइन थीटा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं कि कौन है, तो कॉसिक थीटा है। तो कॉसिक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस साइन का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा की बात करें तो कौन सा है, तो कॉसिक थीटा है। उसी तरह से sec थीटा के इन्वर्स की बात करें तो sec थीटा का इन्वर्स कौन हो जाएगा, तो सॉरी cos थीटा का इन्वर्स sec थीटा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या होगा आपका कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटे आधार sec थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसका इन्वर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। तो आधार बटे लंब जब हो जाएगा तो उसको क्या नाम दिया गया है, तो cot थीटा नाम दिया गया है। यानी tan का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, तो cot थीटा होता है। यानी cot थीटा बराबर क्या हो गया, तो आधार बटे लंब हो गया। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। अब 1 बाई कोसेक थीटा कैसे हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। जैसे बात करते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच होता है। और कोसेक थीटा देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई पी होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि 1 बाई कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 ऊपर चला गया और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बाई पी होता है, यानी ये एच बाई पी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी बाई एच इक्वल टू, ये पी कहाँ चला जाएगा, तो ये पी ऊपर चला जाएगा, यानी कि पी बाई एच। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कौन दोनों आपस में बराबर है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूला को और आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो सकता है, इधर डिवाइड में तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा अगर इधर आ गया तो इधर क्या बच गया, वन हो गया। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोसेक थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो वन बाई साइन इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से आपका कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा किस जब पलटता है तो क्या बनता है, तो sec थीटा बनता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से sec थीटा अगर इधर भेज दिया जाए तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब sec थीटा की बात करें तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से आप tan थीटा की बात करें तो tan थीटा को जब पलट देते हैं तो क्या बन जाता है, तो आधार बटे लंब बनता है ना, तो इसको क्या नाम दिया गया है, cot थीटा नाम दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई cot थीटा होगा। अब 1 बाई cot थीटा होगा तो cot थीटा अगर उधर चला जाएगा तो tan इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो cot थीटा की बात करें तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई tan थीटा, tan इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा ना। तो ये था आपका फॉर्मूला, और फॉर्मूला किस तरह से बना वो भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया मैंने। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। इसमें यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि थोड़ा फॉर्मूला हमें ध्यान से देखना होता है, अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपका बनना मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका। तो फ्रेंड, आपका अगर बात किया जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का योग, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों का वर्ग किया गया, स्क्वायर किया गया, और इनका सम यानी कि योग, तो इसका योग का वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ते हैं तो इधर क्या आ जाता, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी डिफरेंस ऑफ sec स्क्वायर थीटा और
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वन होता है। तो ठीक उसी तरह से सिक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, तो सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। अब बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि साइन माइनस थीटा अगर कहीं पे दिया हो, साइन माइनस थीटा दिया गया हो, तो उसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि साइन माइनस साइन थीटा। सबसे पहले बात करें ये स्क्वायर की, तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, अगर ये कहीं पे भी आपका इस तरह से दिया रहे कि साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग इसी को कहते हैं। ये स्क्वायर यहां दे करके यहां पे आ जाता है, क्लियर है ना। कहीं पे भी अगर बात किया जा रहा है कि साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। तो स्क्वायर कहां पे भी बैठ सकता है, पूरे में भी, या फिर सिर्फ साइन के ऊपर भी आप स्क्वायर बैठा सकते हैं, और ठीक उसी तरह से सभी में। अब बात कर रहे हैं कि साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे भी दिया गया है कि साइन माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री अगर दिया गया है, तो इसका वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री लिखा जा सकता है। यानी ये माइनस यहां ना दे करके आप कहां लिख सकते हैं, साइड में दे सकते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। देखिए साइन, अगर साइन माइनस थीटा है तो उसका वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा है तो उसका वैल्यू कॉस थीटा ही होगा, लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा। मतलब यही अगर होता कि कॉस माइनस 45 डिग्री अगर होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे कि सिर्फ कॉस 45 डिग्री ही लिखा जा सकता है, ये माइनस यहां से हट जाएगा, क्लियर है। और ये कब कब माइनस हटेगा आपका, तो कॉस और कॉस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, तो सेक होता है। यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। तो सिर्फ कॉस और सेक के जगह पे आपका माइनस से सीधा प्लस में लिखा जाएगा, बाकी सभी में माइनस में लिखा जाएगा। यानी कि अगर बात किया जाए टेन माइनस थीटा की, तो उसका वैल्यू माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा की बात करें, तो उसका वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन सेक माइनस थीटा की बात करते हैं, तो उसका वैल्यू प्लस सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा होता है। और उसी तरह से अगर कॉट माइनस थीटा की बात करें, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो आइए अभी और आगे, अभी पढ़ना बाकी है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मिक्सअप करके पूछा जाता है, सारे रूल को एक साथ मिला करके कब कौन सा रूल कौन से क्वेश्चन में लागू हो जाएगा वो कहा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रूल लिखवा दिए तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा देते हैं, तो उसमें आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में ही फंस जाएंगे, इस तरह का चांसेज होता है। तो इसीलिए पहले जो जो ज्यादा जरूरी है उसको लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है आपका, अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड आपके सामने जो फॉर्मूला और जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब तक जो मैंने लिखवाया है वो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल के वैल्यू के आधार पे कैलकुलेट करना, समझ गए। अगर ट्रिक वगैरह भी यूज़ हम लोग करेंगे तो इसको याद होना ज़रूरी है, अगर ये याद नहीं है तो आप ट्रिक भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हालांकि याद करना अब मुश्किल है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो नाइन्थ क्लास से आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन अभी तक शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं हुआ होगा। तो अगर याद नहीं है तो आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप फर्स्ट लाइन याद कर लें। अगर फर्स्ट लाइन आपको याद हो गया तो पूरा का पूरा आपका याद हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा, बशर्ते के पीछे मैंने जो बताया है कि कौन किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। एक बार फिर से, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड, कॉट।
एक बार आप लोग रिपीट करें या माइंड में रिपीट करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, कि ताकि आपको इसी समय याद हो जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। क्लियर है ना? अगर यह चीज क्लियर है तो आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करने की जरूरत है कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू अगर कहीं पे भी दिया गया है कुछ इस तरह से कि साइन जीरो डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर कहीं पे भी दिया गया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अगर बात करें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कौन सा हो रहा है, तो इधर से साइन आया, इधर से 30 आया, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। अगर बात करें कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की अगर बात करें तो इधर से साइन आया और इधर से 45 आया, यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2 होगा। उसी तरह से अगर बात करें कि साइन 60 डिग्री अगर दिया रहे तो साइन और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है। और साइन का न्यूनतम मान क्या होगा, साइन का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, तो 0 होगा। मिनिमम क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम कितना होगा, तो 1 होगा। अब बात किया जाएगा आपसे कि साइन 180 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 160 डिग्री, साइन 360 डिग्री, इस तरह से पूछा जाएगा, तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसी चार्ट के रूप में। लेकिन उसमें कुछ लॉजिक लगता है, वो हम लोग देखेंगे अगले ट्रिक के तरफ, अगले फॉर्मूलाज वगैरह में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस का अगर निकालना है वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू साइन का हमेशा क्या होता है कि इधर से 90 डिग्री, ये 0 टू 90 डिग्री होगा। अगर साइन थीटा को 90 डिग्री टू 0 डिग्री कर दिया जाए तो ये कॉस का सीरीज बन जाएगा। यानी देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है, और 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री आया तो इधर से 30 डिग्री, दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर इधर से 45, इधर से भी 45, इधर से 1/2, तो 1/2 यहां आ गया, ये 0 यहां आया, तो ये 0 कहां आ गया आपका, यहां पे आ गया। तो इस तरह से अगर इसको पलट दिया जाए तो किसका वैल्यू बन जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू बन जाता है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर वैल्यू पता चल गया तो समझ जाइए कि आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टैन के लिए भी क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो टैन इक्वल टू क्या होता है, तो टैन इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख ले कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और उसी तरह से अगर बात करें कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा और कॉट थीटा, साइन थीटा का ही उल्टा भाग जो है, उल्टा रूप क्या है आपका, कॉट थीटा है। जब हम लोग टैन थीटा को जब हम लोग पलट देते हैं तो क्या बनता है, कॉट थीटा बन जाता है। यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अब इस बार ऊपर में कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए टैन थीटा का वैल्यू पता है तो समझ जाइए आपको कॉट थीटा का भी वैल्यू पता है, क्योंकि साइन टैन थीटा का उल्टा भाग क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू क्या पता है आपको, तो साइन थीटा का उल्टा भाग क्या होता है, तो उल्टा रूप क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कौन, कोसेक। और सेक का उल्टा कौन होता है, तो सेक का उल्टा होता है आपका कॉस थीटा होता है। क्लियर है ना? या फिर कह सकते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं, यानी साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा का वैल्यू मिलता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू किससे डिवाइड करने से मिलेगा, तो इस बार कॉस थीटा में साइन थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं साइन जीरो डिग्री का वैल्यू, तो साइन टैन जीरो डिग्री का वैल्यू, तो टैन जीरो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टेन जीरो डिग्री की अगर मैं बात करूं तो टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो टेन जीरो टेन टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन बाई कॉस। तो यहाँ पे टेन थीटा नहीं बोला गया है, टेन जीरो डिग्री बोला गया है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना लेना होगा, जीरो डिग्री वाला वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और थीटा एंगल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टेन जीरो डिग्री की बात कर रहे हैं, तो जहां पे आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां जीरो पुट करना होगा, यानी साइन बाई कॉस अगर आप निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है जीरो डिग्री है, तो यहाँ भी जीरो डिग्री देंगे और यहाँ भी आपका जीरो डिग्री ही रहेगा। तो साइन जीरो डिग्री बाई कॉस जीरो डिग्री अगर ये दोनों आप सॉल्व कर देंगे तो टेन जीरो डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। जहां पे साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या है, जीरो है, और कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू क्या है, तो वन है। तो जीरो में अगर वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आप मिलता है, तो जीरो मिलता है, यानी कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन थर्टी डिग्री की। देखिए अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट करते हुए जाएं, क्योंकि स्पेस कम है तो इसीलिए इसको रब करके उतना में ही बताते जाएंगे। अब बात कर रहे हैं फ्रेंड के टेन थर्टी डिग्री की। तो अगर टेन थर्टी डिग्री की बात करते हैं, टेन थर्टी डिग्री की बात करते हैं, तो टेन का तो फॉर्मूला वही होगा, साइन बाई कॉस ही होगा, साइन बाई कॉस ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, थर्टी डिग्री, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, थर्टी डिग्री। तो साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वन बाई टू होता है, वन बाई टू होता है। और कॉस थर्टी डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो रूट थ्री बाई टू होता है, रूट थ्री बाई टू होता है। तो यहाँ पे टू से टू तो कट जाएगा आपका, बचा है कितना, तो वन बाई रूट थ्री, यानी इससे आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टेन फोर्टी फाइव डिग्री की। तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री आप खुद से डिवाइड करके देख ले कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो साइन फोर्टी फाइव बाई कॉस फोर्टी फाइव। जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रूट टू से रूट टू कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, वन, नीचे क्या बचा, वन, तो वन बाई वन का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। अगर मैं बात करूं कि टेन सिक्सटी डिग्री, तो टेन सिक्सटी डिग्री की बात करें तो रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, तो टू से टू कट गया तो बचा कितना, तो रूट थ्री बाई वन। रूट थ्री बाई वन को क्या लिख सकते हैं, तो रूट थ्री बाई वन को रूट थ्री ही लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं टेन नाइनटी डिग्री की। तो नाइनटी डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वन बाई जीरो होगा। टेन नाइनटी डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वन बाई जीरो होगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, तो वन बाई जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो जीरो से जब भी कोई संख्या को डिवाइड किया जाता है तो उसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी ये आपका इनफाइनाइट कहलाएगा आपका। अच्छा, जीरो से क्यों नहीं डिवाइड किया जा सकता है, शायद मैं आप लोगों को बताया होगा या फिर नहीं बताया होगा, तो ये वाला चार्ट में बताने के बाद मैं डिफाइन कर दूंगा कि वन बाई जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होता है, और जीरो बाई वन का वैल्यू, जीरो बाई वन अगर कहीं पे जीरो बाई वन है तो इसका वैल्यू जीरो क्यों होता है, ये मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट थीटा आपका साइन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कॉट थीटा टेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर टेन को उलटने से कॉट बनता है तो कॉट को उलटने से क्या बनेगा, कॉट को उलटने से क्या बनेगा, तो टेन बन जाएगा, है ना, तो कॉट को उलटने से टेन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस बाई साइन थीटा होता है, यानी ऊपर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो वन बाई जीरो आ जाएगा। तो वन बाई जीरो का वैल्यू क्या आएगा, तो नीचे अगर जीरो दिया गया है तो इनफाइनाइट उसका वैल्यू आता है। अब बात करते हैं कॉट थर्टी डिग्री की। तो कॉट थर्टी डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन कॉस बाई साइन होगा ना, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री बाई टू ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी वन बाई टू, वन बाई टू, तो टू से टू कट गया तो बचा कितना, रूट थ्री बाई वन, यानी रूट थ्री बाई वन को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ रूट थ्री लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट फोर्टी फाइव डिग्री की बात करें, तो कॉट फोर्टी फाइव डिग्री अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो जब भी दो बराबर संख्या डिवाइड होता है तो क्या मिलता है, तो वन ही मिलता है। उसके बाद कॉट सिक्सटी डिग्री की बात करें, तो कॉट सिक्सटी डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो वन बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, बचेगा कितना, वन बाई रूट थ्री। और उसके बाद ठीक उसी तरह से कॉट 90 डिग्री की बात करें, तो ये जीरो ऊपर जाने वाला है, वन नीचे आने वाला है, तो जीरो बाई वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो बाई वन का वैल्यू क्या होता है, तो जीरो होता है। या फिर कॉट थीटा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टेन थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया है तो इसको पलट दीजिए, आपका कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ये इनफाइनाइट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये रूट थ्री यहाँ आ गया, वन यहाँ आ गया, वन बाई रूट थ्री यहाँ आया, और जीरो डिग्री आपका यहाँ पे आ गया, बस इसको पलट दिया गया तो क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया।
अब बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है फ्रेंड, ये कॉस थीटा है। जहां जहां नीचे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहां हम वन लिख सकते हैं, वन बाई वन लिख सकते हैं, यहां पे भी जीरो बाई वन लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी जीरो ही होता है। तो आइए हम निकालते हैं सेक थीटा, अगर सेक थीटा निकालते हैं तो सेक थीटा जीरो डिग्री की बात करें तो सेक जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री वाला अगर पलट जाएगा तो वन को अगर पलट देंगे तो क्या बनेगा, वन बाई वन ही रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू वन ही कहलाएगा। अगर मैं बात करूं sec 30 डिग्री की तो cos 30 डिग्री पर ध्यान जाएगा, इसको अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, sec किसका उल्टा होता है तो cos का उल्टा होता है, तो cos 30 डिग्री को पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और रूट 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया और रूट 3 नीचे आ गया। उसके बाद बात करते हैं sec 45 डिग्री की, तो sec 45 डिग्री के लिए cos 45 डिग्री को पलटना पड़ेगा तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो रूट 2 बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ रूट 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं sec 60 डिग्री की, तो sec 60 डिग्री के लिए cos 60 डिग्री वाला पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा तो क्या वैल्यू होगा, 2 बाई 1, 2 बाई 1 को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं cos 0 डिग्री की, sec 0 डिग्री का, तो sec 0 डिग्री सॉरी sec 90 डिग्री के लिए, तो sec 90 डिग्री के लिए cos 90 डिग्री वाला पलट जाएगा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 अगर ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। अब ठीक उसी तरह से बात करते हैं cosec थीटा की, तो cosec थीटा किसका उल्टा भाग होता है, cosec थीटा sin का उल्टा होता है, cosec थीटा sin का उल्टा होता है, या sin थीटा cosec का उल्टा होता है, तो cosec थीटा के लिए किसको पलटना पड़ेगा, तो sin वाले को पलटना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 0/1 है और यहाँ पे 1/1 है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि sin cosec 0 डिग्री की तो ये 0 डिग्री वाला पलटेगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो जब भी 0 नीचे आए तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब cos 30 डिग्री की बात करते हैं, तो cos 30 डिग्री के लिए कौन पलटना, किसको पलटना होगा, तो sin 30 वाले को पलटना पड़ेगा, तो sin 30 डिग्री का को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 होगा और 2/1 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। अब बात करें cosec 45 डिग्री की, तो cosec 45 डिग्री के लिए किसको पलटना पड़ेगा, तो sin 45 डिग्री को, जब इसको पलट के लिखेंगे तो √3/1 हो, √2/1 होगा, तो √2/1 के लिए √2 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं cosec 60 डिग्री की, तो cosec 60 डिग्री के लिए sin 60 डिग्री को पलटना पड़ेगा, तो sin 60 डिग्री को जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, वही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, cosec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद बात करें cosec 90 डिग्री की, तो इसको अगर पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे तब भी 1/1 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री का 1 लिख सकते हैं। या फिर cosec का वैल्यू लिखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर sec को आप पलट करके लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, sec को पलट करके लिख दें तब भी cosec का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये कि ये 90 डिग्री है यहाँ पे इनफाइनाइट, ये 0 डिग्री में आ गया, 60 डिग्री वाला 30 डिग्री में आ गया, बस पलट के लिख रहे हैं, इधर से दूसरा स्थान तो इधर से दूसरा स्थान आ गया, इधर से तीसरा स्थान में है तो √2 है तो इधर से भी तीसरा स्थान में √2 हो जाएगा, इधर से चौथा स्थान में 2/√3 है तो इधर से चौथा स्थान में कौन हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, इधर से पांचवा स्थान में कौन है, 1 है तो इधर से पांचवा स्थान में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया बात वैल्यूज का। उसके बाद बात करें कि पॉजिटिव और निगेटिव का केस, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो 90 डिग्री का ऊपर जब भी रहे तो उसको हम लोग खींच करके 90 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, खींच करके किस में कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में जब खींच के कन्वर्ट करते हैं तो कोई भाग आपका चेंज हो जाता है और कोई वाला पार्ट चेंज नहीं हो पाता है, कोई पार्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है और कोई पार्ट चेंज नहीं होता है। तो कौन कौन सा पार्ट चेंज होता है और कौन कौन सा पार्ट चेंज नहीं होता है, चेंज होने का मतलब ये है कि साइन की बात करें तो साइन किस में बदल जाएगा, अगर 90 डिग्री का ऊपर की बात करें तो अगर बदल रहा है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलता है। यानी अगर जैसे कि हम बात करते हैं कि साइन 120 डिग्री की बात करें तो साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 70
70 डिग्री, साइन 120 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन 120 डिग्री को 120 डिग्री ना लिख करके 70 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका क्या हो जाएगा कि वो भाग आपका पलट जाएगा, वो भाग पलट जाएगा, यानी हालांकि 180 डिग्री एक केस में नहीं पलटेगा, लेकिन 270 डिग्री अगर बात करें कि 180 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे कि साइन 110 डिग्री, साइन 205 डिग्री होता है, तो साइन किस में पलट जाता आपका, तो साइन पलट करके कॉस में आ जाता। तो कैसे कैसे पलटता है हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले भाग में, फिलहाल ये देख लेते हैं कि कौन कौन बदलता है कौन कौन नहीं बदलता है। अच्छा एक बात और कि जब भी 90 डिग्री से ऊपर का बात करेंगे तो ज़्यादातर वैल्यू आपका निगेटिव में आ जाता है, ज़्यादातर वैल्यू निगेटिव में आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट निगेटिव में आता है और कौन कौन सा पार्ट निगेटिव में नहीं आता है, और कौन कौन सा 90 डिग्री को ऊपर के केस में कौन कौन सा भाग आपका चेंज होता है और कौन कौन सा भाग चेंज नहीं होता है। हालांकि इसमें सिर्फ ये ग्राफ की, जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का केस। तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, आप ज्योमेट्री बॉक्स में या फिर आप ये कह लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी आप लोग कहते हैं, उसमें जो दिया हुआ रहता है कंपास और चांद वगैरह दिया रहता है, तो चांद को जब आप लोग उठाते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री तक का उसमें रहता है, और बीच वाला भाग क्या होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर चांद को रखेंगे तो ये बीच वाला भाग 90 डिग्री का होगा, यानी अगर इसकी बात करें, ये वाला भाग की अगर बात करते हैं, अगर फिगर ऐसे बन रहा है, फिगर ऐसे बन रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि सभी पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव होगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसका ग्राफ हमने यहाँ पे देख लिया है, 90 डिग्री तक का बात किए हैं, तो 90 डिग्री में कभी भी हमने नहीं बोला कि कोई भी भाग नेगेटिव में आता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, कोई भी आपका नेगेटिव में नहीं आता है, मतलब सभी पॉजिटिव में रहता है। लेकिन 90 डिग्री से हट करके ये 90 डिग्री तक का हो गया, ये 180 डिग्री तक का हो गया, यहाँ तक 180 डिग्री होता है ना, ये 270 डिग्री तक की बात हो गई, और ये 360 डिग्री तक का बात हो गया। ये पूरा राउंड अगर घूम जाए, एक सर्कुलर पार्ट कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना पूरा अगर घूम जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 180 डिग्री का, जब भी बात करेंगे तो 180 डिग्री के केस में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सभी नेगेटिव हो जाएगा, यानी सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सभी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस में आंसर देगा। अगर बात करते हैं 270 डिग्री की, तो 270 डिग्री के केस में सिर्फ टैन और कॉट, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव साइन देगा, बाकी सभी नेगेटिव देगा। यानी 270 डिग्री का जब भी बात करेंगे तो सिर्फ कॉट और टैन आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव में उसका वैल्यू आएगा, बाकी सभी साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये सभी क्या कौन सा साइन देगा, तो नेगेटिव का साइन देगा, नेगेटिव में आंसर आएगा इसका। अगर 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री में क्या होता है, तो 360 डिग्री में होता है फ्रेंड कि सिर्फ कॉस और सेक, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि कॉस और सेक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पॉजिटिव में रहेगा, इसके अलावा जितना भी है साइन हो, टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो, ये सभी नेगेटिव में आंसर देगा। अब बात करते हैं चेंज और नो चेंज की, तो जब 90 डिग्री का बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जब भी साइन 0 डिग्री की बात किए तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, वो साइन के रूप में ही रहता है। तो साइन 90 डिग्री का बात करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज करेंगे जब साइन 90 डिग्री का बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। जब हम लोग 180 डिग्री या 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इस तरह से करके सॉल्व करेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये चेंज होता है आपका, तो चेंज होगा, तो एक तो चेंज हो जाएगा, और दूसरा चूंकि 90 डिग्री का केस में सभी क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री में कौन कौन पॉजिटिव में होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव में होता है, बाकी कोई पॉजिटिव में नहीं होता है, और साथ ही ये चेंज नहीं होता है, यानी कोसेक 180 डिग्री जहां पे भी आपको दिखाई दे तो वो कोसेक रूप में ही रहेगा, कोई और रूप उसका नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं 270 डिग्री का, तो 270 डिग्री में टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा, लेकिन 270 डिग्री के केस में चेंज करेंगे, साइन है तो कॉस के रूप में चेंज हो जाएगा, इस तरह से हम लोग चेंज आगे करेंगे। उसके बाद बात करें 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री में आपका कॉस और सेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, और उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोसेक हमें आपका जो 360 डिग्री की बात करेंगे तो ये आपका साइन साइन ही में रहेगा, कॉस कॉस ही रूप में रहेगा, सेक सेक ही रूप में रहेगा, वो किसी दूसरे रूप में आपका नहीं बदलेगा।
तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सा भाग कौन कौन से रूप में बदलता है, अब उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो फ्रेंड बात करें कि केस ऑफ चेंज की, यानी कौन किस में बदलता है, अगर बदलना है तो साइन साइन ही रूप में रहेगा, लेकिन साइन को अगर बदलना है किसी और रूप में तो साइन हमेशा किस रूप में बदला जाएगा, तो कॉस के रूप में बदलेगा। तो साइन कॉस में बदलता है, तो ठीक उसी तरह से कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। अब बात करते हैं टैन थीटा की, तो टैन आपका किस में बदलता है, अगर बदलने का केस है तो टैन कॉट में बदलता है और कॉट टैन में बदलता है, और कॉसेक को अगर बदलना है तो कॉसेक सेक में बदलेगा, और सेक किस में बदलेगा, हमेशा कॉसेक में बदलेगा। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड कि बदलने और ना बदलने की बात, तो कब कब बदलता है, तो 90 डिग्री का बात होता है तब चेंज होता है ना, चेंज करने की यहाँ पे बात किया जा रहा था। तो साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और कॉट टैन में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कौन कौन सा चेंज होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 90 डिग्री के केस में चेंज होगा, यानी 90 डिग्री के केस में साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक कॉसेक में बदलेगा, और सभी पॉजिटिव रूप में ही रहेगा। लेकिन जब 180 डिग्री का बात करें तो 180 डिग्री में कोई नहीं बदलता है, यानी साइन की बात करें तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक सेक में ही रहेगा और सेक सेक में ही रहेगा, आपका कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा और सेक सेक में ही रहेगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन साइन में बदलाव आएगा कि सिर्फ साइन और कॉसेक ही आपका पॉजिटिव में रहेगा, यानी अगर बात किया जाए कि साइन साइन में ही रहेगा और वो पॉजिटिव में रहेगा 180 डिग्री के केस में। लेकिन कॉस की बात करें तो कॉस कॉस में ही रहेगा लेकिन वो नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री के केस में सिर्फ साइन और कॉसेक ही आपका पॉजिटिव देता है, बाकी सभी नेगेटिव रहता है, यानी कॉस कॉस में ही रहेगा लेकिन वो नेगेटिव में आ जाएगा। बात करते हैं टैन की, तो टैन टैन में ही रहेगा लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा, कॉट कॉट में ही रहेगा लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा। कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा लेकिन कॉसेक भी आपका क्या साइन देगा, पॉजिटिव देगा, यानी कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा और पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन सेक की बात करें तो सेक सेक में ही तो रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव में नहीं रहेगा, वो तो जब पॉजिटिव में नहीं है दैट मीन्स क्या होगा कि वो नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 270 डिग्री की, तो 270 डिग्री में फिर वही रूल लागू होगा कि साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, क्योंकि 270 डिग्री के केस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, यानी साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक कॉसेक में बदलेगा, और साथ ही इसका साइन भी बदलेगा, यानी कौन कौन सा साइन बदलेगा, तो टैन और कॉट को छोड़ा करके बाकी सभी का साइन बदल जाएगा, यानी कि साइन आपका साइन कॉस में बदलेगा और वो नेगेटिव में हो जाएगा, कॉस साइन में बदलेगा और वह नेगेटिव हो जाएगा, टैन कॉट में बदलेगा लेकिन वो पॉजिटिव में ही रहेगा, और कॉट टैन में बदलेगा लेकिन वो पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव में देता है, और साइन कॉसेक कॉसेक सेक में बदलेगा लेकिन नेगेटिव साइन देगा, और सेक कॉसेक में बदलेगा लेकिन पॉजिटिव साइन देगा। बात करते हैं 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा और सेक सेक में ही रहेगा। लेकिन साइन की बात करें तो 360 डिग्री के केस में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है, बाकी सब नेगेटिव में होता है, यानी साइन साइन में ही रहेगा लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि कॉस थीटा की, सॉरी कॉस थीटा के केस में आपका क्या होता है, पॉजिटिव में हो जाता है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा और उसका साइन भी पॉजिटिव में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉट कॉट में ही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद बात करें कि सेक की, तो सेक सेक में ही रहेगा और साइन उसका पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री के केस में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव में होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं फ्रेंड, जब भी दिया गया हो कि जैसे कि बात किया जाए कि कहीं पे दिया गया है कि कॉस 60 डिग्री अगर दिया गया है, कॉस 60 डिग्री दिया गया है, ये कब बदलता है, ये कब चेंज होता है, हालांकि कॉस 60 डिग्री का ही वैल्यू हमें पता है, लेकिन दोनों को अगर
एक रूप में करना हो तो जैसे कि एक जगह cos 60 डिग्री है और एक जगह cos 30 डिग्री है, तो दोनों को 30 डिग्री में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए cos आपका अगर 60 डिग्री बात किया जा रहा है, cos 60 डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो cos 60 डिग्री 90 से छोटा है, इसलिए 90 डिग्री वाला केस इसमें लगेगा, क्योंकि जो ग्राफ मैंने बनाया था ये इस तरह से, यानी 90 डिग्री तक का जितना भी है सब 90 डिग्री के अंदर में आ जाएगा। 180 डिग्री का तक का जितना भी है 90 के बाद से, तो वो आपका 180 डिग्री तक में आएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री तो 90 डिग्री के ही अंदर वाला में आ रहा है, तो cos 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो cos 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 डिग्री में अगर 30 डिग्री को घटा दिया जाए, 90 डिग्री में 30 डिग्री को घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, तब भी वही cos 60 ही डिग्री रहेगा। 60 को हम 90 माइनस 30 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 90 में से 30 गया क्या होता है, तो 90 में से 30 गया 90 में से 30 गया क्या होता है, तो 90 में से 30 गया 60 होता है, यानी 90 में से अगर 30 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 60। तो अभी भी मैंने क्या लिखा है, cos 60 ही डिग्री लिखा है, लेकिन cos 90 डिग्री का केस में हम क्या बोल रहे थे, देखिए 90 डिग्री का जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही एंगल का आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। 90 डिग्री के क्या केस में क्या होता है, चेंज होता है और सभी पॉजिटिव में रहता है। तो इसको अगर चेंज करने की बात की जाए तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो cos थीटा किस में बदल जाता है, तो sin थीटा के रूप में बदल जाता है। cos थीटा किस में बदल जाता है, sin थीटा के रूप में बदल जाता है। तो cos थीटा अगर sin थीटा के रूप में बदल जाता है, तो cos थीटा जब sin थीटा के रूप में बदलता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो वो sin के रूप में बदलेगा, लेकिन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sin थीटा के रूप में बदलेगा, लेकिन ये वाला एंगल अब छूट जाएगा आपका, सिर्फ ये वाला एंगल लिखा जाएगा, लेकिन ये मतलब ये हुआ कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ ठीक उसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी थीटा के स्थान पे क्या है आपका 30 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस 30 को आप क्या लिख सकते हैं, तो sin के रूप में अगर बदलना है तो sin के रूप में बदल दीजिए, लेकिन एंगल कौन सा लिखाएगा, सिर्फ 30 डिग्री वाला एंगल लिखाएगा। सिर्फ कौन सा एंगल लिखाएगा, तो सिर्फ 30 डिग्री वाला ही एंगल आपका लिखाएगा, यानी cos 60 डिग्री वो किसके बराबर होगा, तो sin 30 डिग्री के बराबर होगा। आप सभी को पता है फ्रेंड कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है, यानी वैल्यू दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ये तो आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि cos 60 डिग्री क्या sin 30 डिग्री के बराबर है, दोनों का मान इसके बराबर है, तो इसका मतलब sin cos के रूप में बदलता है, लेकिन क्या होता है उसका वैल्यू, तो वैल्यू आपका जो 90 डिग्री में से जो बच गया है वही आपका साइन में इन कर जाएगा। तो इसको डायरेक्टली कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे शॉर्ट में, कि कॉस आपका डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कॉस किस में बदलेगा, तो कॉस साइन में बदलेगा, और 60 में कितना और बढ़ाया जाता कि 90 डिग्री हो जाता, तो 60 में अगर 30 डिग्री और बढ़ाते तो 90 डिग्री हो जाता। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कॉस किस में बदलेगा, साइन के रूप में, लेकिन 60 और 30 90 होता है, यानी साइन का एंगल क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से साइन 90 डिग्री इक्वल माइनस थीटा अगर दिया है तो ये कॉस के रूप में बदलेगा, 90 डिग्री केस में सभी बदलता है और सभी आपका पॉजिटिव में ही रहता है, तो अभी 90 डिग्री वाला केस लिए हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस के रूप में बदल जाएगा और ये 90 डिग्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला थीटा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस साइन में बदलेगा, लेकिन ये वाला एंगल हट जाएगा, सिर्फ ये वाला थीटा आपका आ जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो टेन कॉट में बदलेगा। देखिए टेन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, और एंगल कौन सा होगा, तो एंगल सिर्फ ये वाला एंगल यहाँ पे लिखा जाएगा, 90 डिग्री खत्म हो जाएगा। कॉट किस में बदलता है, तो कॉट टेन में बदलता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉट 10 के रूप में बदलेगा और ये 90 डिग्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला थीटा जो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पे देंगे। उसी तरह से कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉसेक किस में बदलता है, तो कॉसेक सेक के रूप में बदलता है, कॉसेक सेक के रूप में बदलता है, लेकिन ये वाला 90 डिग्री को ना लिख करके सिर्फ ये वाला एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो भी एंगल होगा आपका। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो सेक को कॉसेक में बदल देंगे, लेकिन ये 90 डिग्री ना लिख करके सिर्फ ये वाला एंगल हम लोग लिखेंगे, सिर्फ ये वाला एंगल हम लोग लिखेंगे। तो फ्रेंड कल हम लोग 90 डिग्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन में करूंगा,
हालांकि उस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वो लॉजिक पता होना जरूरी है, उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में ये भी देखेंगे कि जब 180 डिग्री का बात होता है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, तो उसमें किस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 270 डिग्री की, तो 270 डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट बताएंगे अगले क्लास में, और 360 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। सिर्फ इतना बताने के बाद उसके बाद मैं आपका आपका फिर क्वेश्चन कैसे इस पे करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में प्रॉपर तरीके से, वो सारा क्वेश्चन किस तरह से इजी वे में हम लोग कर लेते हैं वो सभी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच।